नवरात्र के पावन अवसर पर राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय की पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक भव्य तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। कल से इसका उद्घाटन हुआ है, अब आगे कई दिनों तक ये जो व्यवस्था है, जो कार्यक्रम है, वो लगातार चलता रहेगा। नवरात्र का आज सातवां दिन है, इसको आज यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। एक भव्य पंडाल बनाया गया है नगर निगम की ये पार्क में, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तमाम यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं, मेला लगाया गया है। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं राजधानी लखनऊ के। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नवरात्र का जो पावन अवसर है, नवरात्र का जो पावन पर्व है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर श्रद्धालु मना रहे हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। यहाँ पर तमाम इस वक्त लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति के सामने यहाँ पर पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, आरती हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु इस वक्त में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर दुर्गा पूजा में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लखनऊ प्रशासन है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, स्थानीय पुलिस यहाँ पर है। लोगों की तमाम सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पुलिस बल काफ़ी तैनात है। काफ़ी भव्य आयोजन है यह नवरात्र के पावन अवसर पर। इस समय यहाँ पर लखनऊ की राजधानी लखनऊ में नगर निगम का पार्क है, नगर निगम मुख्यालय के सामने ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे लोगों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर तमाम स्टॉल हैं, जो कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर तमाम दुकानें लगाई गई, तमाम स्टॉल लगाए गए हैं लोगों के खान पान के लिए, जो कि यहाँ पर आने वालों के लिए एक बेहद अच्छा है। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पर तमाम तरह के व्यंजन हैं, उनके स्टॉल लगाए गए हैं, उनकी बिक्री। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बनारस से एक साड़ी दुकानदार हैं, वो अपना यहाँ पर साड़ी की दुकान लगाए हुए हैं। किस तरह से तमाम तरह की यहाँ पर साड़ियाँ हैं लोगों के लिए, जो यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, महिला श्रद्धालु आ रही हैं, उनके लिए यहाँ पर ये स्टॉल उन्होंने लगाया है। 250 रुपये की साड़ी। हम बोल कहाँ से? बनारस से। हाँ, जो आते हैं भीड़ होती है तो बिकता है, बहुत बेचते हैं हमेशा। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है? अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है जी। अभी सन्नाटा है, अभी आएगी पब्लिक। नाम बता दीजिए। सुनील कुमार दत्ता। यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है, किस तरह का आयोजन है, कितने दिन का आयोजन है और क्या कुछ आप कर रहे हैं? ऐसा है कि ये षष्ठी से बोधन से शुरू होता है विसर्जन तक, और हमारे यहाँ का जो खासियत है वो सबसे ज़्यादा धुनोची नाच का है, जो कि ये 1950 में यहीं से शुरू हुआ था। ये जो ढाक बजता है, ये पहला दुर्गा पूजा का ये समिति है, जो उस समय ये होता था, तब से आज तक चला आ रहा है। यहाँ पर कितने दिन चलेगा ये? चलेगा 8 तारीख तक। कल जो है अष्टमी है, उसके बाद नवमी है, दशमी को विसर्जन होता है। विसर्जन जो है यहाँ से 2 बजे निकलेंगे, गोमती पे घाट पे जाके माता जी का विसर्जन किया जाए। किस तरह की मान्यता है नवरात्र की, क्या महत्व है और इसमें दुर्गा पूजा किस लिए की जाती है? ऐसा है कि नवरात्र और दुर्गा पूजा दोनों अलग चीज़ है। जो आप लोग का जो वो जो क्या नाम है, रामी जो होता है, एक वो पूजा, वो असली पूजा है जो आपके यहाँ पहले दिन में जो गर्मी में होता है, मई जून में होता है ना शायद आपके यहाँ रामनवमी कब होता है, और ये दुर्गा पूजा उस वो जो है जब दशरथ जी आए थे उस वक़्त, वो दिवाली जिसको कहते हैं आप, उस हिसाब से उसको मनाया जाता था। ये देवी दुर्गा जी का है, इनके 8 रूप हैं, एक एक करके, इसीलिए नवरात्र में 9 पूजा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दशमी को विसर्जन किया जाता है।
नगर निगम पार्क में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेसमैन न्यूज़, लखनऊ।